press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के टपुकड़ा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के समीप बीती रात एक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में मालाखेड़ा के मचड़ी गांव निवासी हमीद नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए अलवर लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। सूचना के बाद अलवर मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। पीड़ित के अनुसार वह सब्जी से भरी पिकअप लेकर दिल्ली जा रहा था, तभी रास्ते में टपुकड़ा के समीप पिकअप का एक्सल टूट गया। ऐसे में उसने वहीं पर रात गुजारना उचित समझा। वह पिकअप के अंदर केबिन में सो रहा था, तभी कुछ पुलिस कर्मी आए और उससे मारपीट कर पैसे की मांग करने लगे। आरोप है कि जब हामिद ने पैसे देने से मना कर दिया तो उस पर ताबड़तोड़ डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मेव पंचायत संरक्षक शेर मोहम्मद ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए पीड़ित के अस्पताल खर्चे का मुआवजा भी मांगा है। मेव पंचायत की ओर से टपुकड़ा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। सर, मैं बैंगन गाड़ी चलाता हूँ सर, वो सब्जी गाड़ी है। उसका हुआ टपुकड़ा में जाकर उसका एक्सल टूट गया, तो वो साइड में करके हमने दूसरी गाड़ी में माल लोडिंग कर दिया। गाड़ी खड़ी थी वहाँ रोड पे ही, वो पुलिस वाले आए तो उसने शीशा चढ़ा के, मैं लूटा पड़ा था उसमें, तो उसने कहा आके फिर शीशा उतरवाया, शीशा उतरवा के नहीं क्यों खड़ी कर रहा है इधर, वो सर इसका एक्सल टूटा पड़ा है तो पैसे दियो। उसने कही पैसे दियो मेरे लिए, पैसे दो, तो पैसे मेरे पे तो आना सर, उसने मेरे तो पैसे ना तो बोले गाड़ी दी खूब, तो मेरे दो तीन खोद दी उसने बैठा बैठा। पिकअप का एक्सल टूट गया और एक्सल टूटने के बाद इन्होंने दूसरी गाड़ी में उसको सब्जी को, जो बैंगन और इस तरह की सब्जी थी, उसको अनलोड करके भेज दिया। गाड़ी साइड में खड़ी करके रात में उसमें बैठा, खिड़की बंद करके उसमें लेटा हुआ था। अचानक वहाँ पर पुलिस के गश्ती दल के लोग जाते हैं, जाकर के इसको बोलते हैं कि आप इस दरवाजे को खोलें। इसने खिड़की खोली, खिड़की खोल के इसने कहा कि साहब मेरी गाड़ी ख़राब है, गाड़ी को हटाइए। और गाड़ी जब उसने नहीं टाइम, तेरे पास पैसे वैसे हैं क्या, तो उसने कहा साहब मैं तो मजदूर आदमी, जो गाड़ी वाले ड्राइवर और कंडक्टर वो चले गए दूसरी गाड़ी में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इसके साथ साथ उन्होंने ऐसी मारपीट की कि जो डंडे होते हैं पुलिस के, इनकी खुद उनकी कोच में जहाँ पर गुर्दा होता है, यहाँ पर 5-7 बहुत तेज़ी से मारने के बाद, और इतना उसके अंदर का पार्ट्स जो हैं बॉडी के, जिसमें गुर्दे वगैरह, जो मेरी खुद की डॉक्टर से बात हुई है कि इतनी गंभीर हालत है कि उसके यूरिन साइड से और मुंह से दोनों से भयंकर ब्लड जा रहा है। अभी उसको अलवर से जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है उसकी। और उसका बताना ये है कि मुझको पुलिस के जो लोग थे उनमें मुख्य रूप से एक सुनील मीणा, जिसको मैं जानता हूँ क्योंकि वो अक्सर हमसे पैसे लेते रहते हैं, इसलिए मैं उसका नाम भी जानता हूँ, उन्होंने आकर के और मेरे साथ इस तरह की मार। हाँ, ये मामला दर्ज कर लिया है, प्रकरण दर्ज करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या प्रकरण के जो सेना पे जो सच ने जो फायर दिए उसके अनुसार की उसके जो भतीजा उसके साथ क्लीना के पोस्ट ने उसके साथ मारपीट की है, जो घायल है, तो उसका जैसे उसका जांच कर लेंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।